29 मई को मानसा में दिन दिहाड़े मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या किए जाने के 18 दिन बाद पुलिस ने मूसेवाले की हत्या की साजिश की गुत्थी को सुलझाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल और विदेश में बैठे 3 गैंगस्टरों ने मिलकर 4 राज्यों से 8 किराए के शूटर जुटाए और अंत में एक ड्रग एडिक्ट ने सिद्धू मूसेवाले की अंतिम मिनट की रेकी की, जिसके बदले में उसे केवल कुछ हजार रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। कई महीनों में रची गई इस हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ शूटरों को 3.5 लाख रुपए तक दिए गए। वहीं पंजाब पुलिस इस घटना के पीछे कुछ गिरोहों की आपसी रंजिश को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन वहीं पुणे पुलिस ने जरूर 2 शूटरों को पकड़ा है और वे जल्द ही पंजाब लाए जाएंगे। इसी बीच पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि मूसेवाले की हत्या की साजिश के कथित मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से चल रही पूछताछ से हर बात का खुलासा हो सकता है। पुलिस ये भी अब लगभग मान चुकी है कि मूसेवाले की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है। इस योजना में उसका मुख्य सहयोगी कनाडा में रहने वाला एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और एक अन्य गैंगस्टर विक्रम बराड़ है। दिल्ली से लाए जाने के बाद अब बिश्नोई से पंजाब पुलिस गहन पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य 2 साजिशकर्ता विदेश में है। उन्हें वापस लाने के लिए राजनयिक और कानूनी प्रयास किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मूसेवाले की हत्या का कारण पिछले 7 अगस्त को बिश्नोई के सहयोगी विक्की मुदुखेड़े की हत्या का बदला लेना हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को शक था कि विक्की मुदुखेड़े की हत्या में मूसेवाला और उसके प्रबंधक का हाथ था। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अब तक 6 शूटरों की पहचान तय कर ली है। शूटरों में 3 पंजाब के, 2 हरियाणा के, 1 राजस्थान और 2 महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। इन सभी शूटरों की व्यवस्था गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ ने की थी। पुणे पुलिस ने 2 शूटरों संतोष यादव और नवनाथ सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस की एक टीम अब उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस लाने के लिए महाराष्ट्र में है। इन दोनों को हत्या करने के लिए 3.5 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ने 9 लोगों को हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 वाहनों की व्यवस्था करने, हत्या से पहले शूटरों को पनाह देने और मूसेवाले की गतिविधियों की रेकी करने जैसी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक संदीप सिंह उर्फ केकड़ा ने अपने भाई के साथ 29 मई को मूसेवाले की हर गतिविधि की जानकारी शूटरों को दी। ड्रग एडिक्ट केकड़ा को इस काम के लिए केवल 15,000 रुपए मिलने की बात कही जा रही है।